हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही डायनेमिक और प्रोग्रेसिव वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी और पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद और मेरे बहुत ही पुराने मित्र श्री बलवीर जी पुंजी, किताब वाले के जो प्रकाशक हैं, किताब वाले उसके निदेशक श्री प्रशांत जी जैन, अध्यक्ष नेत्र डेमोक्रेटिक टीचर्स फंड प्रोफेसर अजय कुमार आगी जी, महासचिव नेत्र डेमोक्रेटिक टीचर्स फंड प्रोफेसर वी एस लेगी जी, कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर अमित राय जैन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, प्रखर मेधा के धनी, प्रखर वक्ता, प्रत्युत्पन्न मति वाले ऐसे भाजपा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, श्री प्रकाश सिंह जी, श्री विकास जी गुप्ता, श्री इंद्र मोहन जी कपाही, श्री एन के कक्कर जी और अभी अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई इसी जमात में कहीं आकर बैठे हैं हिंदी जगत के मूर्धन्य साहित्यकार, शायद सभी लोग अच्छी तरह परिचित न हों, ऐसे श्रीमान हेमंत जी शर्मा विश्वविद्यालय के अध्यापक आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ मौजूद हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अन्य देवियों सज्जनों और मेरे मीडिया के मित्रों, ट्रिस्ट विद अयोध्या इस पुस्तक के लेखन के लिए सबसे पहले मैं हृदय से श्री बलवीर जी पुंज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह सच है कि इस पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन दूसरों ने पढ़कर के संदर्भ में मुझे कुछ जानकारी दी है, उसी आधार पर मैं आपके सामने कुछ अपने विचार इस पुस्तक के संबंध में प्रस्तुत करूंगा। आप सभी जानते हैं राम के बारे में किसी को बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम मस्तिष्क में आते ही यदि उसके विपरीत देखा जाए तो रावण का नाम भी स्वाभाविक रूप से आता है। क्या कारण है? रावण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे। रावण तो मर्यादा राम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी थे, यानी रावण राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन पूजा रावण की नहीं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की होती है, क्योंकि आजीवन उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। उसी राम के ऊपर ट्रिस्ट विद अयोध्या, डी पोलराइजेशन ऑफ इंडिया, डी औपनिवेशीकरण भारत, यह पुस्तक हमारे मित्र बलवीर जी ने लिखी है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस समय देश का माहौल पूरी तरह से राममय है। अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर के तौर पर हमारी सनातनी आस्था का शिखर बने, हम सबके लिए ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की शर्म अनुभूति का भी क्षण है। आज से भाई 9 दिन बाद हम भारतीय इतिहास के सबसे सुखद और गौरवशाली क्षणों के चश्मदीद बनेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला जब अपने दिव्य भव्य और विशाल मंदिर में लौटेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम सबका जीवन सचमुच धन्य होगा। मित्रों, रामलला को उनके जन्म स्थान में लौटाने में हिंदू समाज को 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा।
यहां मैं हिंदू शब्द का यदि प्रयोग कर रहा हूं, देखिए हिंदू यानी हिंदुत्व को जाति पंथ अथवा मजहब से किसी भी सूरत में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुत्व यह एक जीवन शैली है, हिंदुत्व यह एक मानवीय धर्म है, इस रूप में इस हिंदुत्व को देखा जाना चाहिए। हजारों लोगों का बलिदान हुआ मुगलों अंग्रेजों और फिर देशी अंग्रेजों के षड्यंत्र की शिकार अयोध्या अब अपने आत्म गौरव की ओर लौट रही है। 500 साल के अनवरत संघर्ष के बाद साथियों अयोध्या के साथ न्याय हुआ है और हम इतिहास के सबसे भाग्यशाली लोग हैं जो इसे घटता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत और राष्ट्रीय गौरव की यह पुनर्स्थापना है। ऐसे पुण्य और पवित्र समय पर बलवीर पूंज जी की अयोध्या विषय पर आई यह किताब हमारी खुशी को स्वाभाविक रूप से दोगुना करती है, क्योंकि यह किताब अयोध्या के साथ हुए षड्यंत्रों का खुलासा भी करती है। इन दिनों अयोध्या पर कई अच्छी पुस्तकें आई हैं और हेमंत शर्मा जी जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं था, जरा खड़े हो जाइए लोग देख, हेमंत शर्मा जी ने भी जितनी भी पुस्तक आप पढ़िए राम फिर लौट, बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है। मित्र राम भारत की चेतना है और अयोध्या भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है। जन्मस्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे ये चेहरों पर बलवीर पूंज जी ने अपनी इस नई किताब में अच्छी तरह रोशनी डालने की कोशिश की है। इसके लिए बलवीर जी पूंज मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं, मैं हृदय से इन्हें साधुवाद भी देता हूं। बलवीर जी को मैं कोई 25 वर्ष से जानता हूं, 2000 में जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे देश के अग्रणी पत्रकारों में तो थे ही, वे प्रभावशाली वक्ता और निष्ठावान स्वयंसेवक भी हैं। गंभीर से गंभीर विषय पर भाषाई संयम के साथ उन्हें आसान बनाना, पाठकों को परोसने की उनके पास एक बेजोड़ कला है। यह उनकी तीसरी किताब है। मैंने राज्यसभा में उनके भाषण भी सुने हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में उनके कालम को भी पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हर मुद्दे पर उसकी तह तक जाना, शोध और अनुसंधान के जरिए नए तथ्य ढूंढना और फिर उन्हें सहज बोधगम्य तार्किक ढंग से पेश करना, यह बलवीर पूंज जी की विशेषता है। इसी गंभीर किताब पर आप जैसे विद्वानों के बीच विमर्श मैं मानता हूं कि एक बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए जरूरी है कि आप किताब को पूरा पढ़ें। आप जानते हैं भारत सरकार के मंत्री रहते समय कितनी मजबूरियां होती हैं, कितनी कमियां भी होती हैं। इसलिए बलवीर पूंज जी की इस किताब को मैं सरसरी तौर पर ही देख पाया हूं और किताब प्रभु राम अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, उसके विवाद, इस विवाद को लेकर वोट बैंक का खेल और तुष्टिकरण की राजनीति का यह पोल खोलती है यह पुस्तक बलवीर पूंज जी। किताब यह भी बताती है कैसे रामलला के अपने जन्म स्थान पर लौटने से राम राज्य के बुनियादी मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। देवी और सज्जनों, देश से तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हो, जाति वर्ग से ऊपर सर्वसमावेशी समाज की नींव मजबूत होगी। अयोध्या का जन्म स्थान मंदिर कैसे राम के आदर्श, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा, लोकमंगल की शासन व्यवस्था, आतंक और न्याय के नाश का बीज केंद्र यह भगवान राम का मंदिर बनेगा। मित्रों, राम हमारी संस्कृत के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर जितना लिखा जाए वह कम है। उनके विविध आयाम हैं, वह सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोक नायक है, भारतीय समाज की वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि भी है। समतामूलक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम वही देते हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि उन्हें समग्रता में प्रस्तुत करना एक मुश्किल काम है।
पर बलबीर जी ने इसे बखूबी निभाया। राम युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, विनय और विवेक के शिखर हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। वे कुर्सी से अनासक्त एक ऐसे लोकनायक हैं जिसमें सत्ता के लिए निराशक्ति का भाव है। वे सदैव मर्यादा से बंधे थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। यह विशेषण राम से इतर और किसी देवता को नहीं मिला हुआ है। इसलिए राम सबके हैं और राम सब में है। ये भी हुआ सज्जनों, जब वे अयोध्या के राजा बने तब उनके लिए प्रजा सर्वोपरि और श्रेष्ठ निज संबंध गौड़ हो गए। वह सामाजिक समरसता के प्रतिबिंब हैं। सबरी, जटायु, हनुमान जी, केवट, कोल, भील, किरात आदि प्रसंग इसका प्रमाण है। त्रिराम वीरता के साथ स्त्री सम्मान के भी प्रतीक हैं। शायद इसलिए हमारे यहां राम के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। राम कथा तो एक ही है, पर सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं तो लोहिया के राम अलग हैं, वाल्मीकि और तुलसी के राम में भी फर्क है। भवभूति के राम दोनों से अलग हैं। कबीर ने राम को जाना और तुलसी ने राम को माना। राम एक पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राम जाति वर्ग से परे हैं। नर वानर, नगरवासी वनवासी, पशु पक्षी, मानव दानव, सभी से उनका करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े से ऊपर है, निषाद राज हो या सुग्रीव हो, कोल भी सबरी हो या जटायु, सभी को साथ ले चलने वाले वे अकेले देवता है। वह अकेले ऐसे देवता है जो समाज में जातीय वैमनस्य को खत्म कर सब नर कर ही परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर चलते हैं। वे भारत के आदर्श भाई ही नहीं है, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, नीति कुशल व राजा भी है। राम किसी विचारधारा से बंधे नहीं, वह किसी एक सांचे तक ही सीमित नहीं है। इतिहास बताता है समय समय पर हर पंथ विचार संप्रदाय के प्रमुख राम जन्मभूमि पर आस्था जताते रहे। सिख गुरु नानक देव अयोध्या गए, जन्मभूमि के दर्शन किए। जैन समाज के पांच तीर्थंकर राम की वंश परंपरा से ही आते हैं। दलित संत रविदास राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए, राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए बनारस से अयोध्या आते हैं रविदास जी। और अद्वैत के संस्थापक शंकराचार्य भी यहाँ आए, तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य भी आए। भगवान बुद्ध यहाँ कई वर्षों तक रहे। इन सभी संतों का संदेश यही थे, अयोध्या तोड़ती नहीं है बल्कि अयोध्या जोड़ती है। जीव से जोड़ती कैसे है? जीव से ब्रह्म को, आत्मा को परमात्मा से, भक्त से भगवान को और व्यक्ति से समस्त को, और राजा से प्रजा को, मनुष्य से मनुष्य को, खंडित से अखंडित को, अगणों से पिछड़ों को, बूंद से समुद्र को और वनवासी को राज्य से। ऐसी न जाने कितनी बहुताओं को जोड़ने वाली ताकत का नाम अयोध्या है। अयोध्या को बलबीर कुंजी ने लिखा है। राम जिस विनय, शील और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, अयोध्या उसकी जननी है। ऐसी अयोध्या में राम जन्म स्थान का मंदिर नए भारत का प्रतीक होगा। मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, जो भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता देगा और अयोध्या बाकी दुनिया के लिए प्रेरणा स्थल बनेगी। वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म कहा गया है, यानी राम ही धर्म है और धर्म ही राम है। गांधी राम को साध्य मानते हैं,
साधन नहीं, गांधी का नाम सनातन, अजन्मा और अद्वितीय है। वह दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा मात्र नहीं है, वह आत्मशक्ति का उपासक और प्रबल संकल्प का प्रतीक भी है। वह निर्बल का एकमात्र सहारा है, उसकी कसौटी प्रजा का सुख है। वह सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और प्रेरणा के साथ साथ ताकत भी देता है। हनुमान, सुग्रीव, जामुन, नल, नील सभी को समय समय पर नेतृत्व का अधिकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दिया था। भगवान राम का जीवन बिना किसी का हड़पे हुए फलने फूलने की एक कहानी है। राम अयोध्या से लंका गए, रास्ते में उन्होंने अनेक राज्य जीते, पर राम ने किसी का जीता हुआ राज्य हड़पा नहीं। उनकी जीत शालीन थी, जीते राज्यों को जैसा का तैसा उन्होंने रहने दिया। सुग्रीव और विभीषण को उसे सौंप वह आगे बढ़े। अल्लामा इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को राज, पहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। इसलिए अयोध्या का यह पुनर्निर्मित जन्मस्थान मंदिर केवल कंक्रीट और पत्थरों से बना देश में भव्य और मंदिर नहीं होगा, वह हमारी सनातनी आस्था का शिखर भी होगा, वह बदलते भारत का प्रतीक भी होगा, वह नए भारत की गारंटी बनेगा, जो दुनिया की आंख में आंख डालकर मुरादी करेगा, राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। देवियों व सज्जनों, आप जानते हैं इसी देश में कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था, उन्हें काल्पनिक चरित्र बताया था, अयोध्या में राम जन्मस्थान को मिटाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे लोगों को काल ने इतिहास के हाशिए पर फेंक दिया है। और आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोगों ने इतिहास के हाशिए पर जाने के डर से राम धुन गाना शुरू कर दिया है, यह करिश्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति थी राम के अस्तित्व, उनकी व्यापकता, सार्वकालिकता और सवाल खड़ने वाली जमात पर भी आज राम नाम जपने को मजबूर हो गई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि अयोध्या में रामलला का बना नया मंदिर हमारी सनातन बहुलता वाली संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक भी है, जिसे सैकड़ों वर्षों से विदेशी आक्रांता नष्ट करने का असफल प्रयास करते रहे। सच तो यह है कि श्री राम के बिना भारत के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। साथियों, इस पुस्तक में बलवीर जी ने अंग्रेज अधिकारी पी कार्नेगी, जिसका नाम सुना होगा, जो 1858 से 1870 तक अयोध्या या उसके आसपास विभिन्न पदों पर वह तैनात थे, उनके कथन को उद्धृत किया है, जिसमें अंग्रेज अफसर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए अयोध्या वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का है और यहूदियों के लिए यरूशलम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अयोध्या को वह स्थान मिल गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज वह स्थान अयोध्या को मिल गया है जो उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिल जाना चाहिए था, पर उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। यह क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण थे, उस समय अयोध्या का वातावरण ऐसा था, बलवीर जी ने अपनी पुस्तक में इन प्रश्नों के जवाब को बाखूबी समाहित किया है। इसके लिए भी मैं अपने मित्र बलवीर जी पुंज को हार्दिक बधाई देता हूं। और तो अयोध्या की राम जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, क्या लोगों के विश्वास या उनकी मजहबी मान्यताओं पर प्रश्न उठाया जा सकता है। इस दुनिया में जितने भी तीर्थस्थल, चाहे वह ईसाइयों के हों, मुसलमानों के हों, यहूदियों के हों या फिर बौद्ध सिख जन समुदायों की, सभी का आधार केवल विश्वास है, सभी का आधार केवल उनकी श्रद्धा है।
बलवीर जी ने अपनी पुस्तक के अध्याय फेट बियॉन्ड स्क्रूटनी अयोध्या डिस्प्यूट वॉज अवॉइडेबल में उदाहरणों के साथ इस पक्ष पर विस्तार पूर्वक प्रकाश इन्होंने डाला है। यह स्थापित सत्य है कि बाबरी ढांचे में 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बना था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं, परंतु बहुत ही कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, तब इसका पहला साक्षी कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। उस समय वहां की सुरक्षा में तैनात अब्दुल बरकत ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। बलवीर जी ने अपनी पुस्तक के जरिए स्थापित करते हैं राम जन्म का विषय कभी हिंदू मुस्लिम टकराव का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि इसे जबरन बनाया गया है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इसे बनाया। ऐसा करने वाले कौन लोग थे? बलवीर जी ने अपनी पुस्तक में इसका खुलासा करते हुए दावा किया है कि अब्राहम लला की मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ और इससे स्थानीय लोगों में आस्था का द्वार उमड़ पड़ा था, तब किसी भी स्थानीय मुसलमान ने इसके विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। यही नहीं, जब प्रशासनिक हस्तक्षेप और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा, तब 12 से अधिक मुसलमानों ने शपथ पत्र देकर राम जन्मभूमि पर हिंदुओं के दावे का समर्थन किया। यह बात कई वर्षों तक छिपाई गई कि 1949 प्रकरण के आरोपी बाबा अभिराम दास 1960 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम ने उपहार स्वरूप अपनी जमीन और घर दिया था, जिस पर बाद में अभिराम दास जी ने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी जमीन पर नहीं कराया था, बल्कि इसी देश के मुसलमान नागरिक ने वह भूमि अभिराम दास जी को दी थी, जिस पर उन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद देश में राम जन्मभूमि का मामला कोई हिंदू मुस्लिम तनाव का विषय नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, जिसका सम्मान तत्कालीन मुस्लिम समाज का एक पक्ष भी कर रहा था। देवी और सज्जनों, अब प्रश्न उठता है कि राम मंदिर के पुनर्निर्माण को किसने सांप्रदायिक बनाया? इस पर बलवीर जी ने अपनी किताब में विस्तार पूर्वक चर्चा की है, मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा, यह सस्पेंस है। आप किताब खरीदिए, आप किताब पढ़िए और खुद जाइए। ये व्यवस्था जिनो राम जन्मभूमि का मंदिर कैसे भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ भारत के आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण का भी यह प्रतीक है। बलवीर पुंजी ने इस पर भी किताब में पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। बलवीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डी कॉलोनाइजेशन यानी डी औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। साथियों, मई 2014 से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख, खेल में देश का उत्कृष्ट प्रदर्शन, गिरती गरीबी दर, स्थिर आर्थिक प्रगति और देश में समाप्त होता आतंकवाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, परसों रात को ही मैं लंदन से लौटा हूं, वहां के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक जी से हमारी बातचीत हुई। भेंट होने के पहले मैंने उन्हें जो गिफ्ट दी, जो उपहार दिया, और रामलला का दरबार ही उन्हें मन दिया। देवी वसंजनों, स्वतंत्र भारत को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 67 वर्ष यानी 1947 से लेकर 2014 तक का समय,
2014 में हम दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिकी थे, यानी इकोनॉमी थे, परंतु अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार, कुपवाड़ा यानी जम्मू काश्मीर में 70 वर्ष बाद सारला पीठ मंदिर को फिर से खोलना, पावागढ़ जो गुजरात में आता है वहां स्थित महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 वर्ष बाद धर्म ध्वजा फहराना और उज्जैन में महाकाल लोक की भव्यता, नए संसद भवन में पवित्र चंगोल की स्थापना और 370 और 35A को हटाने के साथ इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 वर्षों में लगातार 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और यह विश्वास पैदा होना कि 2027 आते आते भारत विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ यह भी विश्वास व्यक्त करना 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की ताकत सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, या कोई छोटी उपलब्धि नहीं। और इसी के साथ वैश्विक महामारी COVID-19 काल में प्रभावी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना और 100 देशों को इस वैक्सीन की सप्लाई भी करना और भारतीयों के जीवन में सुधार, G20 की अध्यक्षता करके दुनिया को भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर दिखा देना, चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक स्थापित करके दुनिया की अंतरिक्ष तकनीक में अपना लोहा मनवाना, भारत पहला ऐसा देश है जिसने अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में कामयाबी हासिल की है, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ाना, यह सब भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही हिस्सा है जो एक दूसरे के पूरक है, जिसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में और भगवान राम की कृपा से कुशलतापूर्वक हासिल किया है। साथियों, बलवीर जी की किताब इसका विस्तार करती है। मैं इस किताब के लिए बलवीर जी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूं। देश के युग निर्माण की कथा, देश के युग निर्माण की कथा लिखने के लिए, देश के आहत स्वाभिमान की शौर्य गाथा बताने के लिए बलवीर जी किताब के जरिए इतिहास को खंगालते हैं, मन को झकझोरते हैं। इतिहास के दंश की असल तस्वीर दिखाती यह कृति बड़े समय से आई है बलवीर कुंजी। मैं एक बार फिर लेखक और प्रकाशक, और इसके प्रकाशक हैं हमारे डॉक्टर प्रकाशक श्री प्रशांत जी जैन और इस अमित राय जी जैन, कार्यक्रम के दोनों बैठे हैं हमारे यहाँ, ये इनको मैं बधाई देता हूँ। और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ बलवीर जी ऐसे ही समाज को सदैव जागृत करते रहे और परमात्मा ने हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बलवीर जी को बधाई देते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन समाप्त।